ओटीटी पर धमाल मचाने वाले बिग बॉस ओटीटी 3 का आगाज हो गया है। इस बार शो की कमान सलमान खान की जगह अनिल कपूर के हाथों में है। शो में हर फील्ड के लोगों को बतौर कंटेस्टेंट बुलाया गया है। शो में इस बार गांव की छोरी से लेकर पत्रकार, स्टार्स, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ने एंट्री ली है। एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित। चंद्रिका की लाइफ जितनी स्ट्रगलफुल रही है उतनी ही विवादों से भी भरी रही। चंद्रिका भले ही सड़क पर एक छोटे से ठेले पर वड़ा पाव बेचती हैं, लेकिन उनकी एक दिन की कमाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल शो में एंट्री करते ही चंद्रिका ने बिग बॉस हाउस में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर राज खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने घर के सदस्यों से भंडारा विवाद को लेकर पुलिस के साथ हुए अपने विवाद के बारे में भी बात की। साथ ही अपनी हर दिन की सैलरी बताकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर प्रतिदिन 40,000 रुपए कमाती हैं। उनकी हर दिन की कमाई सुनकर सभी के होश उड़ गए। यही नहीं, चंद्रिका ने खुद को ट्रोल किए जाने को लेकर भी बोला। उन्होंने कहा, लोग कमेंट करते हैं ये उनका काम है। कई तो ऐसे भी हैं जो किसी की कहानियां और संघर्षों को जाने बिना ही उनकी लाइफ पर कमेंट करते हैं। चंद्रिका ने हेटर्स को जवाब दिया और कहा, उन्हें नहीं पसंद है कि मैं हर दिन 40,000 रुपए कमाती हूँ। अरे यार, मैं तो मेहनत करती हूँ ना यार, तुम भी करो। मत नेटफ्लिक्स चलाओ, मत रहो फोन पर, बाहर निकलो, छोड़ो अपने बाप के पैसे को। वहीं चंद्रिका की इनकम जानकर शिवानी कुमारी भी हैरान हो जाती हैं। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।